हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स मेरे पास है अलग अलग 8 प्रकार के मॉस्फेट। मैं सभी को चेक करके आपको दिखाऊंगा ये हमारे सही हैं या ख़राब हैं, इसे कैसे चेक किया जाए। तो हमारे पास ये जो मॉस्फेट है ये है IRF 540N, जो हमारा 24 वोल्ट इन्वर्टर में यूज होता है। तो यहाँ पे हम ब्लैक वाली प्रॉप को लगा लेते हैं ग्राउंड में, और यहाँ पर हम लगाते हैं तो इसकी जो रीडिंग आ रही है 542 आ रही है। ऐसे ही हम यहाँ पर लगा के ऐसे चेक करेंगे, यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। दोबारा हम लगाएंगे तो यहाँ पे बीप की आवाज़ करेगा, ये आप देख सकते हैं 41 ओम की रीडिंग आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारा मॉस्फेट ख़राब है, मॉस्फेट ओके है। आप यहाँ पे ऐसे इसको शॉर्ट करेंगे, इस तरीके से यहाँ पे शॉर्ट कर दें, दोबारा चेक करेंगे यहाँ पे तो हमारी सेम रीडिंग वही आ जाएगी 514 प्लस रहेगी। अगर कम ज़्यादा हो रही है तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं, हमारा मॉस्फेट ओके है। ये हमारा हो गया। दूसरा हम आपको चेक करके दिखाते हैं इसका जो नंबर है IRF 3205, ये हमारा 12 वोल्ट इन्वर्टर में यूज होता है। चेक करते हैं, ये देखेंगे तो हमारी रीडिंग सही यहाँ आ रही है 506। दोबारा इधर हम चेक करेंगे, शॉर्टिंग नहीं दिखानी चाहिए। एक बार हम फिर इधर चेक करेंगे तो शॉर्ट दिखाएगा। इसको हम यहाँ से शॉर्ट कर देते हैं इस तरीके से इसे, फिर हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारी सेम रीडिंग आ जाए 485। ये भी हमारा मॉस्फेट ओके है। ऐसे ही हम दूसरा मॉस्फेट चेक करते हैं IRLB4132, इसका नंबर है। ऐसे हम चेक करते हैं, यहाँ पे अगर हम लगा रहे हैं शॉर्ट दिखा रहा है, तो आपको कंफर्म करने के लिए आपको यहाँ पे इस वाली लेग को ऐसे शॉर्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम दोबारा चेक करेंगे, अगर हमारी रीडिंग आ रही है तो हमारा मॉस्फेट ओके है। दोबारा यहाँ पर चेक करेंगे, यहाँ पर कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। फिर अगर आप इधर लगाएंगे तो हमारा शॉर्ट दिखाएगा, तो इसको शॉर्टिंग हटाने के लिए सेम वही तरीका, आप इसे यहाँ पे स्टार्ट कर दें, दोबारा फिर लगाएंगे, मॉस्फेट हमारा सही रीडिंग पे आ जाएगा। ये हो गया। अब आपको हम चेक करके ये दिखाते हैं, इसका नंबर जो है IRFB7545, इसको भी चेक करेंगे। यहाँ पर हम ग्राउंड कर लेते हैं, इसकी जो रीडिंग आ रही है यहाँ पर आप देखेंगे 465 आ रही है। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे इसके, यहाँ पे कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ना वीप करनी चाहिए। फिर हम दोबारा इधर चेक करते हैं तो यहाँ पे 37 ओम शो कर रहा है, तो इसे भी हम ओके करने के लिए यहाँ पे शॉर्ट करते हैं एक बार, फिर दोबारा लगा के देखते हैं 544 यहाँ पे हमारी रीडिंग आ रही है। ये भी हमारा मॉस्फेट ओके है। हमारा जो मॉस्फेट ख़राब रहेगा दोनों लेग पे शॉर्टिंग आएगी 520, इसकी रीडिंग आ रही है। इसका जो नंबर है ये हमारा P55 है, और इसको हम यहाँ पे लगाते हैं, कोई रीडिंग शो नहीं कर रही यहाँ पे। इसकी जो रीडिंग आ रही है दोबारा लगाने पे 91 आ रही है। हम यहाँ से शॉर्ट कर देंगे, दोबारा चेक करते हैं यहाँ पर लगा के, सॉरी अगर आप यहाँ ग्राउंड लगाए रखेंगे तो आपकी रीडिंग शो वही करेगी। सेम इसे ग्राउंड हटा दें, फिर दोबारा यहाँ पे चेक करेंगे, रीडिंग हमारी सही हो गई है। अब हम आपको दिखाते हैं दूसरा मॉस्फेट, इसका जो नंबर है आपको हम दिखा दें, ये हमारा है 105N3LL। इसको हम चेक करते हैं यहाँ पे, इसकी रीडिंग आ रही है 457, यहाँ पे हम चेक करेंगे तो 0 आनी चाहिए, कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए, ना बीप करना चाहिए यहाँ पे। अगर बीप करेगा तब भी आपका मॉस्फेट ख़राब रहेगा, या रीडिंग आ रही है 100 आ रही है, 50 आ रही है, कोई भी रीडिंग अगर इस पे शो करेगा तो हमारा मॉस्फेट ख़राब रहेगा। यहाँ पर हम दोबारा चेक करते हैं तो यहाँ पर शॉर्टिंग दिखाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ से हटा देते हैं हम शॉर्टिंग, फिर दोबारा चेक करते हैं, यहाँ पर हमारा मॉस्फेट ओके है। अब हमारे पास मॉस्फेट रहा है, ये हमारा जो मॉस्फेट है 7 नंबर का, इसका नंबर है P90NF03L। इसे हम चेक करते हैं, इसकी जो रीडिंग आ रही है 589 आ रही है। दोबारा यहाँ पे हम लगाएंगे एक नंबर पिन पे तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग नहीं आनी चाहिए। दोबारा यहाँ पे हम लगाएंगे 3 नंबर पिन पे तो यहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा है, मॉस्फेट ओके है, ख़राब है। यहाँ से अगर आप शॉर्ट करते हैं फिर भी अगर आपका मॉस्फेट बीप कर रहा है तो आपका मॉस्फेट ख़राब है।
तो ये भी हमारा ओके है। ये हमारे पास है 110N8FB, तो इसे हम चेक करते हैं। यहाँ पे इसकी रीडिंग जो आ रही है 483 आ रही है। यहाँ पे चेक करते हैं, कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर रीडिंग आ रही है तो आपका मॉस्फेट ख़राब है। यहाँ पे हम दोबारा चेक करते हैं, 372 आ रही है, 410 आ रही है। एक बार हम शॉर्ट करेंगे, सही से हमारी वही 477 आ रही है। ये हमारा मॉस्फेट जो है लिवगार्ड में यूज होता है। इसमें जो है दोनों साइड बीप नहीं करेगा, जैसे कि इसमें बीप कर रहा था। जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया 477 आ रहा है, इस पर लगाते हैं, दोबारा यहाँ पे लगाएंगे तो रीडिंग कम हो जाएगी, ठीक है, पर बीप नहीं करेगा। सेम रीडिंग वही रीडिंग में आ भी जाएगा धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो थैंक फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।